वेलकम बैक स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो विल डू सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास टेंस टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन होंगे नॉट मोर देन दैट सिम्पल पास टेंस के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखो ही डैश इन अ बैंक वर्क इज अ मेन वर्ब जो हमें यहाँ पर यूज करनी है सो सिंपल पास्ट में अगर हम इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे सो वॉट वुड बी द आंसर ही वर्कड इन अ बैंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्क वर्कड वर्ड इसलिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर टू यू डैश मी येस्टरडे कॉल हमें यूज करना है मेन वर्ब की तरह और इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव फॉर्म में फ्रेम करना है सो so, आंसर क्या होगा यू डिड नॉट कॉल मी येस्टरडे या फिर यू डिट कॉल मी येस्टरडे कैसे फ्रेम किया है नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब अगर हम इसको पॉजिटिव में चेंज करते तो क्या होता है यू कॉल्ड मी येस्टरडे राइट वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगाकर हम फ्रेम कर देते लेकिन नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी और सिंपल पास्ट में फ्रेम कर रहे थे इसलिए हमने डिड का यूज़ किया और उसके बाद नॉट लगा दिया यू डिड नॉट कॉल मी य और कॉल्ड हमारा पॉजिटिव में था बट हमने कॉल रखा क्यों क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर चुके हैं तो जो नेक्स्ट जो वर्ब होगी जो मेन वर्ब होगी वो किस में होगी बेस फॉर्म में ही रहेगी सिंपल क्वेश्चन नंबर थर्ड He now आपको put करनी है main verb read और इस sentence को negative में change करना है. He dash that book. Answer would be he did not read that book. ठीक है simple था. Now look at question number four. ये इस question में हमें main verb study use करनी है और sentence को interrogative form में frame करना है. Okay? सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव सो जस्ट थिंक अबाउट कि क्या आंसर होगा इसका चलो पहले ये देखो कि हम इसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे मतलब सिंपल पास्ट का सिंपल सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे शी स्टडीड लास्ट नाइट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई स्टडी स्टडीड स्टडीड राइट शी स्टडीड लास्ट नाइट अब हमने हेल्पिंग वर्ब में सॉरी इंटेरोगेटिव uh, में चेंज करने के लिए वॉट विल डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दैट इज डिड क्योंकि सिंपल पास्ट का है सिंपल डेड शी स्टडी लास्ट नाइट नाउ पॉजिटिव में स्टडीड लगाया था यहां पर हमने स्टडी रखा वाई क्योंकि डिड में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं तो मेन वर्ब हम सिर्फ बेस फॉर्म यूज करेंगे सिंपल नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही सिंपल है एफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है हमें सिंपल पास्ट का तो गो हमारी मेन वर्ब है सो so, आंसर क्या हो जाएगा वेंट दे वेंट होम क्यू गो वेंट गोन ठीक है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाकर हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे सिंपल नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स भी यही है सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है हमें एफर्मेटिव सेंटेंस किसमें सिंपल पास्ट में सो so, बाय का क्या हो जाएगा बॉट आई बॉट आ कार क्योंकि बाय की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बॉट सिंपल नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन थोड़ा सा ट्रिकी है ध्यान से देखो होटल पास्ट का एफोर्मेटिव सेंटेंस है कैसे पता लगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है अराइव न हमसे पूछा गया कि इस सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इंटेरोगेटिव में फ्रेम करना है वेन यूज कर मतलब डब्ल्यू एच फैमिली में हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है सो so, आंसर क्या हो बनेगा आंसर वुड बी वेन डिड ही अराइव एट दी होटल सिंपल है अराइव क्यों किया अराइव टू मेन वर्ब थी अराइव क्यों कर दी वाई वे चेंज इट हमने एक्चुअली में चेंज नहीं किया हमने सिर्फ बेस फॉर्म यूज किए क्योंकि हम डिड में हम ऑलरेडी सिंपल पास्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो जो उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं सिंपल है और जब भी ऐसे आंसर्स आप फ्रेम करें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना क्योंकि इंटेरोगेटिव अगर आप फ्रेम कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगता है नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर एट दे केम फॉर लंच ये सिंपल पास्ट का एफॉर्मेटिव सेंटेंस है कैसे पता है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है कम केम कम तो केम इज द सेकेंड फॉर्म हमसे पूछा गया है कि इस एफॉर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है ठीक है डब्ल्यू एच फैमिली यूज नहीं करनी है सिर्फ इंटेरोगेटिव में चेंज करना है आंसर वुड बी डिड दे कम फॉर लंच क्वेश्चन मार्क डिड दे कम फॉर लंच सिंपल नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन

और इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है मेन ड्रिंक यूज कर ओके सो आंसर क्या होगा आई डिड नॉट और आई डेंट ड्रिंक एनी फ्रूटी लास्ट नाइट सिंपल अब आई थिंक सिंपल पास्ट सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने इतने सारे इसके एग्जांपल्स देख लिए हैं जिन बच्चों को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिंपल पास्ट में वो वापस से एक बार सिंपल पास्ट की वीडियो देख लो मैंने बहुत इजी आपको एक्सप्लेन किया है बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ओके बी रेगुलर इन दिस सीरीज ऑफ टेंसेज आपको टेंसेज फॉर श्योर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सो नाओ बाय स्टूडेंट्स टेक केयर है